हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। तो ब्रोंकियोलाइटिस बेसिकली मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल, ठीक है ना। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल बेसिकली कहाँ तुम देखते हो, किस एज ग्रुप में देखोगे, ठीक है ना। ब्रोंकियोलाइटिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पीडियाट्रिक्स, रेस्पी पीडियाट्रिक्स, राइट। क्योंकि बच्चों में, वो भी 2-3 साल के बच्चों में, जो उनकी एज उनसे भी कम होती है, तो उनमें ये ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है ब्रोंकियोलाइटिस, अगर रेस्पी का वो प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, राइट। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस है इन्फेंट 2 साल से कम में का बच्चा होना चाहिए। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज आरएसवी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ठीक है ना। एक रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस अभी आया था जिसने पूरी दुनिया हिला दी, पता ही होगा, ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, प्री टर्म इन्फेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब प्री टर्म इन्फेंट जिनका, मतलब प्री टर्म डिलीवरी हुआ, उन इन्फेंट्स में देखा जा सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिन बच्चों को हुई हो, लो बर्थ वेट जिन बच्चों का रहा हो, ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिक डिजीज दैट इम्पेयर्ड स्पूटम क्लियरेंस, कुछ न्यूरोलॉजिक डिजीज हो सकती है जो स्पूटम क्लियरेंस को इम्पेयर करे, तो उनके कारण से भी ये हो सकता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराया तो उनसे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एक तरीके से काम करता है। अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, ठीक है ना, बच्चों के आसपास अवॉइड करना चाहिए हमें स्मोकिंग करना, मतलब कि पेरेंटल स्मोकिंग, मतलब पेरेंट्स अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग बाय पेरेंट्स, ठीक है। तो बाय पेरेंट्स को इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, पेरेंटल स्मोकिंग। बच्चा थोड़ी स्मोक करेगा भाई, ठीक है ना, माँ बाप को अवॉइड करना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है भाई, माइल्ड कोराइजा हो सकता है इस बंदे को, ठीक है ना। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, कफ, कोराइजा जानते ही हो गया आई गेस, ठीक है ना। माइल्ड कोराइजा होगा भाई, और लो ग्रेड फीवर होगा, हल्का बुखार कफ के साथ आएगा। जनरली बच्चा कैसा होगा, साइनोस, पैलर, टैकिपनिया, ठीक है, साइनोसिस बंदे को रहेगी, पैलर रहेगा, टैकिपनिया, मतलब ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेट, मतलब कि हाँ भाई यार ब्रीदिंग की रेट इंक्रीज हो जाएगी, और क्या। इंस्पेक्शन में क्या देखोगे, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट देखोगे, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट एक जगह और देखते थे, कहाँ बताओ, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, अरे भाई साहब हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट नहीं याद आ रहा है, ब्रोंकिक स्टेसिस, स्टेटस सिस्टमैटिकस कि तुम्हारा ये, अरे ट्रॉपिकल परमोलिजोफिलिया या ABPA, चार ऑप्शन दे दिया, बताओ, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट कहाँ पे होता है, पढ़े हो कि नहीं, साइलेंट चेस्ट पढ़े हो गए आई गेस, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, स्टेटस सिस्टमैटिकस, याद रखना इस चीज़ को, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, राइट। तो चेस्ट रिसेशन हो सकता है, नेजल फ्लेयरिंग हो सकती है, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट के अलावा चेस्ट रिसेशन हो सकता है बंदे को, नेजल फ्लेयरिंग हो सकती है, एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग हो सकता है, एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग वॉइस देगा, मतलब कि सांस छोड़ेगा तो ग्रंटिंग सुनाई देगी, नेजल फ्लेयरिंग, अला नेजाई, ये सब फ्लेयर हो जाएंगे, चेस्ट रिसेशन हो जाएगा, ठीक है ना। पैल्पेशन में रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है ना, चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाएगा, देखोगे नापोगे तो कम हो जाएगा। परकशन हाइपर रिजोनेंट हो जाएगा, परकस करोगे तो ज़्यादा उसका सुनाई देगा, ठीक है। लॉस ऑफ कार्डियक एंड लीवर डलनेस और कार्डियक डलनेस जो है लॉस हो जाएगी, तो ये भाई फ्लूइड भरा हुआ है पूरा, ठीक है ना। हाइपर रिजोनेंट होगा कार्डियक और लीवर डलनेस जो है वो लॉस हो जाएगी, ब्रोंकियोलाइटिस इन्फ्लेमेशन हो गया है भाई वहाँ पे, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन में रिड्यूस एयर एंट्री, फाइन क्रेपिटेशन, रोंकाई सुनोगे, क्रेपिटेशन सुनोगे, ठीक है ना। हाइपर रिजोनेंट लॉस ऑफ लीवर एंड कार्डियक डलनेस, ये सब सुन लेना। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करोगे, फुल ब्लड काउंट करा दो, ठीक है ना, पल्स ऑक्सीमेट्री करा दो, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करा दो, चेस्ट एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेमेशन दिखेगा, सेगमेंटल कोलैप्स और कंसोलिडेशन दिखेगा, ठीक है। एक ट्रैप टैक साइन देखते थे तुम लोग, कहाँ पे देखते थे बताओ हमको, अगेन ब्रोंकिक स्टेसिस में देखते थे, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। फुल ब्लड काउंट होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री होता है, ABG करा लो, चेस्ट एक्सरे में तुम्हारा क्या देखोगे, सेगमेंटल कोलैप्स देखोगे, कंसोलिडेशन, सेगमेंटल कंसोलिडेशन देखोगे, और क्या देखोगे, हाइपर इन्फ्लेशन देखोगे। मैनेजमेंट क्या करोगे, जनरल मैनेजमेंट में गिव O2 एंड मेंटेन O2 SpO2 मोर देन 93% से ज़्यादा O2 तुम्हें मेंटेन करना होगा, SpO2 O2 कैसे देते हैं, नेजल कैनुला वगैरह से देते ना यार, जैसे मैं मन करे। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, साइंस जो है इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर को मॉनिटर करो। न्यूट्रिशन और फ्लूइड थेरेपी अच्छे से दो उनको, कि भाई उनका न्यूट्रिशन और जो प्रॉपर होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, फ्लूइड थेरेपी एडिक्वेट होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल में क्या कर सकते हो, 3% सलाइन सोल्यूशन बाय नेबुलाइजर, 3% सलाइन सोल्यूशन बाय नेबुलाइजर दे दो, एंटीबायोटिक्स इन सम केसेस दे सकते हो,
और O2 बेसिकली देना चाहिए, और यही सब कर लो, O2 का मैनेजमेंट देना चाहिए, मॉनिटर करो, फ्लूइड थेरेपी दे दो, बाकी कॉम्प्लिकेशंस में ब्रोंकोक्यूलाइटिस ऑब्लिट्रेंस हो सकता है, रिकरेंट एपनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। प्रिवेंशन कैसा करना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑफ RSV दे दो, पेल्विसी जो हाई रिस्क जो इंडिविजुअल्स मतलब कि हाई रिस्क वाले जो बच्चे हैं उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस दे दो, जो कि होते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, पेल्विसी जुमैब होता है और IM इंजेक्शन मंथली जो कि छत लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात रही कुछ ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।